कैमरा लेके बैठी थी, मतलब तुझे पता था है? तो क्या कह रहे हैं, सकल भी जारी जाएगा का? हाँ, सकल खराब कर ली 2 दिन में। हाँ जी गाइज, सो पति देव बैक टू होम आ चुके हैं घर, ठीक है ना? भाव मत खाओ, बोल लो कुछ। तो गाइज देखने के लिए तरस गए थे, आ गया हूँ मैं फिलहाल फिर से, मौज मस्ती काटेगा। अब मौज मस्ती होगी गाइज, बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छी खासी मौज मस्ती होगी। मुझे मोटे ने बहुत मिस किया और मैंने भी मोटे को बहुत ज्यादा मिस किया वहाँ पे। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं यार, मैंने बहुत ज्यादा मिस किया तुम्हें यार वहाँ पे। नहीं किया, नहीं किया बहुत ज्यादा। अब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा भाई, फरार होंगे तो सीधा। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे फिलहाल। उधर ही शिफ्ट होंगे जाके हम लोग बेबी के बाद, मे बी 6 मंथ बाद हम लोग शिफ्ट होंगे जाके उधर, ठीक है? कुछ चीजें हैं जो अभी 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 कैसी हैं, सस्पेंस सस्पेंस या कुछ अभी भी जो तुम कुछ लोगों के लिए सरप्राइज रखेंगे। थोड़ा चीजें अभी इशू है, अभी नहीं जा सकते ना, अभी तो चीजें बहुत चल रही हैं कि कैसे क्या क्या करना आएंगे वो हम लोग आपको बताएंगे धीरे धीरे। बट अभी मतलब मुझे किसी ने कमेंट भी किया था क्या आप प्रॉपर हमेशा गांव में ही रहोगी या फिर कभी आगे शिफ्ट भी होगी? ऐसा तो नहीं है कि हमेशा गांव में प्रॉपर तो नहीं रह सकते। देखो चीजें गांव की चीजें थोड़ी अलग होती हैं और सिटी में थोड़ा माहौल अलग होता है। तो हम लोगों को ऐसा तो नहीं है कि बस हम लोग हो गए होते शिफ्ट अभी तक, ऐसा तो नहीं है कि बस यही यहाँ से उठे बस यहीं रहे यहीं तक रहना है। बहुत चीजें अलग करनी है हमें, थोड़ा बहुत ही कुछ करना है अभी तो लाइफ में यार। हम लोग शिफ्ट हो चुके होते बट हमारा बेबी हो गया। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल एक सोशल साइट पे ही एक्टिव रहने का अपना प्लान नहीं है। बहुत चीजें हैं जो हमारी लाइफ में चल रही हैं। मैडम जी जैसे कि स्टडी वगैरह कर रखी है मैंने, तो इनको भी थोड़ा अपनी जॉब वॉब मिशन है अपने भी यार। हाँ तो वो चीजें भी करने हैं यार। हाँ वो भी चीजें हैं। तो बस अब ये हो गया कि ये चीजें हैं थोड़ी बहुत चलती रहती। मैंने ये था कि हमें हमें साथ होना था, वो हम हो गए। फिर ये चीज हो गया कि बेबी ठीक है बट इनके साथ साथ भी हमारी चीजें चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारा कुछ फ्लॉप हो गया हो, ऐसा नहीं है कुछ। फ्लॉप कुछ नहीं, खुद फुल आजादी दे रखी यार पढ़ाई लिखाई के लिए, तो मैं भी बोलता रहता हूँ। चल रहा है, सब चल रहा है, इनका मन ही नहीं लगता अभी फिलहाल तो। हाँ तो चीजें चल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद नहीं है बट चल रही है। बट ठीक है, हो जाएगा, सब मेंटेन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था कि हम प्रॉपर गाँव में रहने के लिए वो था, बट वही चीज़ हो गई कि हम लोग ना प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। तो हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा पाए, हम शादी के बाद हम कहीं भी नहीं गए हैं। सबसे पहला दौरा रहेगा हम लोगों का घूमने फिरने का ही रहेगा। हाँ, की बार बेबी मेरा लोगों को वैसे भी घूमने फिरने वाले व्लॉग्स ज्यादा चलते हैं तो हम बहुत ज्यादा साथ में तो मस्ती भी बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग। अभी फिलहाल घर में क्या मस्ती करूं यार, घर फैमिली के साथ रहता हूं यार। हाँ इन लोगों को लगता भी है ना कि मतलब इधर उधर उनको एक लड़की कमेंट कर रही है आप लोग अपने आपस में एक दूसरे को दिखाते, तुम लोगों का सही रहता है, कोई किचन दिखाता है कोई कुछ, तुम लोग अपने आप एक दूसरे को दिखाते हो। हम क्योंकि हम एक पसंद ही है यार, हम लोग आपस में ही खुश रहते हैं ज्यादा एक दूसरे को ही, हम एक दूसरे से ही मस्ती करते हैं। बाकी हम लोग मतलब हम लोग छोटे यार भी हैं घर में तो हम लोग वैसे ही। मेरा सीन ही है, मेरे दोस्त प्यार सब कुछ इधर ही है। ठीक है बहुत हम लोग अब मेन चीज है कैमरा हम लोग कभी कभी ऑन करते हैं, ऑफ कैमरा पता है हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। ऑफ कैमरा अगर जैसे कोई और हो ना वो रिकॉर्ड करे तो तुम लोग पागल ही हो जाओगे, मतलब मस्ती करते हैं हम लोग, ये बहुत ज्यादा ही करते हैं। कैमरा तो मैं कभी कभी ऑन कर पाती हूँ तब तक वो खत्म हो जाता सिस्टम फिर तो ये अलग हो जाता सीन थोड़ा। ऑन कैमरा कुछ चीजें चेंज हो जाती, धीरे धीरे ठीक होती है। यही है सीन है, यही लाइफ है यार, क्या करना, मौज मस्ती लो। ये दिन दोबारा वापस आने वाले थोड़ी ना, जैसे हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम कुछ दिन और थे, फिर स्कूल से कॉलेज गया कॉलेज तो ऐसे ब्लॉग भी तुम लोग पसंद कर ही लेते हो, ऐसी चीजें हैं ना। तो कभी कभी एहसास होता है कि कभी मैं कॉलेज टाइम में था तो कितना अच्छा लगता था दोस्तों के साथ में, फ्री माइंड घूमना ये वो फलाने खाना बहुत सारी चीजें थी। अभी जब मैं कल परसों दिल्ली गया तो उन्हीं दोस्तों के साथ था मैं, अपने कॉलेज फ्रेंडों के साथ है, तो कॉलेज फ्रेंड है और अपने जिगरी भी है दिल्ली की, कुछ क्लिप्स इन्होंने शूट की हैं वो डालूंगी, शूट की हैं वो भी डालूंगा मैं। तो इससे एहसास होता है यार दोस्तों के साथ खुशी अलग ही होती है भाई। उस टाइम कितनी मौज मस्ती काटते थे हम लोग साथ में ये वो।
तो इसलिए मैंने रोका भी नहीं, वो चीजें अलग होती वो हैं। टाइम था तो इसीलिए यार कल वो 4 दिन में तो मुझे ये एहसास हुआ कि धीरे धीरे टाइम कितना आगे निकल गया है, मैं कितना सब कुछ चीजें हो जाती, शादी ये वो चीजें चेंज हो जाती। तो मेरे कहने का रीजन ये है कि मतलब मौज मस्ती भी काटनी चाहिए, काम सब जरूरी है। देखो इसी इसी लाइफ में जो मतलब एज होती है ये 20 से जो भी है, शुरू से 15 से 25 या 30 तक, इसी में मौज मस्ती, इसी में करियर भी बनाना होता है, सब चीज होती है यार। तो बैठे रहे, मौज मस्ती हम तो भी सब लेते कर रहे रहो, हैं, काम भी करो, सब कुछ करो। मेरा ख्याल, मेरा काम ये है, हम तो मैं सभी तो कर रहे हैं, हम तो सभी कर रहे हैं, हम हम लोगों अपनी का ये फैमिली सीन बना है, रहे हैं, हम अपनी फैमिली बना रहे हैं, करियर बना रहे हैं, सब बना रहे फैमिली भी हैं। बढ़ रही है, काम भी चल रहे हैं, और यारी दोस्ती भी अच्छे से निभा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का अभी तक ऐसा 1% भी नहीं है जिसके मैं थोड़ा दिल में भी खटक रहा हूँ या ऐसा वैसा, मतलब उससे मुझको एलर्जी नहीं, है। आप खटक ही नहीं सकते, आप बहुत मैं स्वीट पर्सन हर हैं। किसी के साथ इतना इतना फ्रेंडली होता हूँ यार। दोस्ती एक ऐसी चीज होती है कसम से यार, दोस्ती में तो कुछ भी करवा लो मेरे से। आप लोग बोलते हो ना कि मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब जीजू मिले आपको। हाँ, मैं एक चीज के लिए लकी हूँ कि मैं मतलब मुझे ऐसा इंसान मिला है जिसके पास जो गप्पे नहीं आता है, जो फेंकता नहीं है बहुत कुछ। मतलब मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो जैसे हैं अपने आप को वैसे ही दिखाते हैं कि हाँ हम बस ठीक है, मतलब हम दिल से अच्छे हैं, ये सीन है हमारा। हम कोई चीजें ओवर नहीं करते हैं, हम जो हैं जैसे हैं बस ठीक है, अपना वही चीजें हैं। तो वही चीज बता रहा हूँ यार, इसी एज में सब कुछ करना होता है, तो मौज मस्ती भी जरूरी है, घर वालों की भी सुननी जरूरी है भाई। ऐसा नहीं है कि घर वालों से चोरी छुपे, बता दो, घर वाले अच्छे होते हैं यार, उनसे सब चीज शेयर कर लो, अगर फ्रेंडली रह जाएंगे सब चीज होती है यार। घर वालों को बता दो, हमारे घर वाले भी समझ जाते हैं, मैं बता दूंगा ऐसा ऐसा, तो यह है कि बस साथ को कोई जाना पहचाना होना चाहिए, वैसे भेज देते कहीं भी जाओ। तो वही चीज है, खास करके हमारी मम्मी जब मम्मी माई बहुत मेरी बहुत मम्मी अच्छी 4 दिन हैं। से परेशान थी, मैं बेशक बाहर था, बेशक मुझे पता था लेकिन मैं उनको हमारे। समझा दिया था, मैंने उनको जो बताया था ना कि ऐसे ऐसे मतलब कि राम गोपाल जी के वो लड़के थे, नाती थे, ये नहीं मुझे पता। ये लव यादव जो हाँ कार्तिक जी के भैया है, हाँ तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया तो उनका वो समझ गए। प्रेसिडेंट चुनाव था तो उसमें मोतीलाल गए। यूनिवर्सिटी में, हाँ तो वही तो जो वहीं गया था, वही सीन था, वहां पे इलेक्शन तो वही काम था, तो मैंने उनको था समझा वहां दिया पे। था मम्मी को, तो वो समझ गई चलो ठीक है, कुछ जानेंगे पहचानेंगे कुछ हाँ, जानते मतलब पहचानते तो है उनसे, है नहीं उन्होंने बुलाया था तो गया चीजें था। देखेंगे, उनको तो हाँ जानते ही थोड़ा हैं। बाहर जाके अच्छा भी लगता है। मैं और सबसे फर्स्ट बार दिल्ली में स्टे करा था, मैं दिल्ली में अभी तक नहीं गया था, इस वजह से मेरा मन भी था, मैं कहा मैं अभी देखूँ यार कैसा क्या होता बाहर। अभी तक बहुत कम मेरे घर वाले ऐसे, मैं घर में छोटा हूँ, अभी तक कहीं निकल के नहीं गया ये बाहर, कभी कहीं ज्यादा बाहर नहीं है, मैं तो गई हूँ अपनी पढ़ाई से मुझे रिलेटेड, कभी भेजा ही बट नहीं ये गया। और कहीं नहीं गए मैं हैं। जैसे कहीं गया भी हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई एक बंदा पर्सन भेजा गया घर से, जैसे कि हमारे बीच वाले भैया ज्यादातर मेरे साथ जाते थे, कहीं भी जाऊं तो उन्हें साथ भेजा जाता था, कि मुझे जानकारी नहीं है, कहीं गया नहीं है अभी तक, तो एकदम बच्चा टाइप ट्रीट किया जाता मेरे को घर पे, बहुत छोटा बच्चा है, इस वजह से तो भेज दिए जाते कोई ना कोई। फर्स्ट टाइम मैं अकेला घर से निकला था, तो अच्छा लगता है बाहर आ जाना, घूमना फिरना भी बोलना जरूरी सीख है भाई। बोलना तुम्हारे जीजू पटर पटर मेरी तरह बोलना सीख गए ना, पहले बोलते नहीं थे, शांत रहते थे, अभी बोलने लग गए हैं, समझ रहे हो। बोलने बोलना तो चीजें करने से होती हैं, सही बात है यार, मैं कैमरा देख के एकदम से वैसे हो जाते थे, से मतलब एक्ट में पहुंच जाते थे, बोलते थे लेकिन एक्ट में पहुंच जाते थे। एक्टिंग टाइम अब में। हाँ बट अभी रियल कैमरा के सामने भी जैसे हैं वैसे ही होने लगे हैं, क्योंकि अब मतलब कैमरे से दोस्ती हो गई है एक तरीके से, ऐसा सीन हो गया है। ठीक है, और वो भी मैं और अकेले नहीं बोल पाता, अभी भी मेरा ये सीन है, मैं अकेले ब्लॉग बनाऊ तो हाँ भूल गया मेरे तो क्या ही मैं बनाऊ रहती हूँ यार। साथ में, तो प्रॉपर ब्लॉगिंग वगैरह अच्छा दिल्ली लगता गए है, हैं, मतलब इन्होंने क्लिप इंसान सेम बनाई है, टाइम के होते हैं, जैसे क्लिप हमारे बनाई साथ है, बहुत छोटी मेरे, छोटी बनी होंगी। मैं अगर रहती वो ब्लॉग अलग होता। तो मैं दिल्ली गया, जैसे मेरे साथ के बंदे मतलब थे जो उन्हें कैमरा में इंटरेस्टेड ही नहीं है ज्यादा, मैंने एक दो क्लिप बनवाई, वीडियो वगैरह भी नहीं बने वहां के यार, कुछ ज्यादा 2-3 वीडियो है वो भी उल्टे सीधे बने, तो उन्हें कैमरा ही पकड़ना नहीं आता भाई, तो बनाता ही क्या है, उन्हें बोलना कुछ और होता है, आप दोस्त साथ होंगे तो पता हो, उल्टी सीधी गाली वगैरह ये वो फलाना ढिकाना ऐसी चीजें होती ना, तो इस वजह से वहां का ब्लॉग बनाए तो बनाए क्या, ऐसी थोड़ी बहुत सीन ले ली है, मतलब दिल्ली गए तो अच्छा लगा वहां पे, यहाँ से थोड़े गांव से निकल के गए भाई अपने इधर, तो फर्स्ट ठीक टाइम है, आया तो और मुझे भी बहुत कल ज्यादा अच्छा लगा, कल और कमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा वहां की यार सड़कें और व्यूज वगैरह देख के, इतना
ही अच्छा लगा यार, इतनी क्लीन सड़क अच्छे वाले व्यूज में गए थे ये, जहाँ पे बहुत सुंदर व्यू था, तो वो वहाँ वहाँ इन्होंने कैप्चर किया है। बाकी दिल्ली में भी कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत गंदी है, बट वो अच्छी वाली में, बट अच्छी थी। हम जहाँ गए थे वहाँ बहुत इतनी बहुत ज्यादा क्लियरिटी थी ना, बहुत ज्यादा क्लीनिंग, बहुत ज्यादा क्लीनिंग थी, तो वही वजह से उसको देख के बहुत इम्प्रेस हो गए ये। रोड बोर्ड सफाई इतनी आए, तो वो चीज इनको पसंद भी, सफाई बहुत पसंद है ना, तो वही चीज है। और कल के ब्लॉग में भी लोग कमेंट वगैरह कर रहे थे कि मतलब नॉर्मल जो हम पूछा था ना, तो खाने पीने के लिए भी बोला, बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बता दिया यार, कि मतलब अनार मत खाओ काला हो जाएगा, सेब मत खाओ फूल जाएगा, फिर मैं खाऊं क्या है। तो चुकंदर बोला है, मैं चुकंदर से मंगाऊंगी, ठीक है वो मैं मंगाऊंगी, बात मान ली। वैसे भी मैं नारियल पानी वगैरह और अदरवाइज चीजें रखता हूँ, ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं। हाँ, अभी अभी ना एक लड़की ने मेरे को बताया है कि बेसन के लड्डू बनाओ घी वाले, और उनको दूध के साथ खाओ, ठीक है। तो अभी 2 महीने है, वो भी बना लूंगी मैं, वो भी बन जाएंगे क्या। बस चीजें होनी चाहिए, सब सब कुछ अवेलेबल है, बस खाना चाहिए इनको, किसी चीज की कमी नहीं है भाई। जो भी बता दें, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इस चीज में, अभी मैं खुद ही अभी बच्चा था वो, तो मुझे क्या था तब। अच्छा। जैसे लोग बता देते तो वो चीज मैं ला देता हूँ बिना कुछ पूछे सोचे समझे मैं, एक बस तुम भी देखो जिस किसी को जो कुछ पता हो। हाँ। बस बताओ, तो वो मैं आज इनसे मंगवा लूंगी, काजू वाजू मंगवा लूंगी, बेसन तो मैं रखा है मेरी, और वैसे भी मैं शादी से पहले मोटे पतला था, तब मोटे मोटे बोलता था, बाद में अब आगे मैं बहुत सूखी पाली सभी बोलते हैं। मैंने ये फोन ले रखा है एक मोटो का इनके लिए, अभी फिला दिया था, उसमें ट्यूनिंग बजती है, हेलो मोटो। हाँ तो वो मैंने लगा रखी है, इसीलिए तो मोटो फोन लाया तुम्हारी वजह से। तो ये चीजें हैं, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है भाई। अच्छी अच्छी चीजें भी मिलेंगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा, बट अगर आप लोग अच्छे व्यूज कमेंट दोगे ना, तो अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा, अच्छे ब्लॉग्स लाऊंगा यार। अभी थोड़ा दिक्कत में है, तो अभी हम लोग कहीं जा नहीं सकते, बस ये सीन है। अभी 2-3 महीने से 4 तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा मैं भाई, बस 4 दीवारों के अंदर रहेंगे बाकी। फिर भी मैं रह ही नहीं पाती हूँ मैं, कहीं ना कहीं तो मैं निकल ही जाती। वैसे भी इनका सीन है यार, शादी के बाद मैं आई पहले से मतलब कॉलेज वगैरह पढ़ाती थी, स्कूल वगैरह, तो इन्हें आदत है घर में बंद न रहने की, तो मैं खुद ही बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ प्लानिंग कर लिया करता था। वैसे भी घुमाया मैंने इन्हें, कहीं नहीं जाना होता, चलो मार्केट चल रहे कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ बहाना ले लिया, चलो आज बहाने से मैंने बहुत घुमाया है। सैफई या कहीं ना कहीं, अभी तो मैंने खुद ही बंद रख कर रखा, मैं भी नहीं जाता इस वजह से कहीं ज्यादा इधर उधर घूमने, नहीं तो इसका मन करता है फिर क्या, अकेले अकेले गए हो। अब दिल्ली भी गया था तो इसमें कम से कम 50 बार मैं फोन किया, ये बोल रही तुम अकेले अकेले घूम रहे हो, मुझे घर पे छोड़ दिया, खुद घूम रहे हो, ये कर रहे वो कर रहे। मैं इसको प्रॉपर वीडियो कॉल कर रखा, फिर भी इसको दिखाया मैंने वहां से, इसीलिए नहीं जाता मैं कि फिर इसका भी मन करेगा ना जाने का, तो इस वजह से। वो तो होता है, जैसे इनको कहीं और भी जाना होता तो ये मतलब कहेंगे, मैं ऐसे कहेंगे मैं वहां जाऊं, तो मैं ऐसे मुंह बना के बोलूं हाँ ठीक है जाओ, बट ये समझ जाते मेरा मुंह देख के नहीं जाते, फिर मुंह देख के समझ जाते नहीं गुस्सा कर रही, ठीक है नहीं जा। ये तो वो चीज है, समझना पड़ता एक दूसरे को यार, साथ ही इंसान है, इंसान कोई खराब नहीं होता, बस उसको उसके हिसाब से रहना, ज्यादा चिक चिक बाजी नहीं अच्छी नहीं लगती ना, और ठीक है ऐसे ऐसे अपना समझ रहे हो चल रही है अपनी लाइफ यार, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से। तो गाइस आप लोगों के प्यार से ही ज्यादा चल रही है, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इतने कॉम्प्लीमेंट दिए ना शादी के बाद से, शादी के बाद ही हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो होना ही था, मुझे पहले से पता था, मैंने इनसे बोल रखा था शादी से पहले, नहीं हम लोगों का साथ रहना बहुत जरूरी है, साथ रह के हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर कपल मुझे लगा था मतलब ठीक है हम लोग साथ में रह के कुछ चीजें, इन्हें ज्यादा नॉलेज है और सोशल साइड वगैरह के बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा ही पता है, इन्हें कुछ नहीं पता, बनाना आता है इतना ज्यादा, इन्हें पता नहीं कहाँ क्या कैसे क्या होता है, तो सारी चीजें मेंटेन मैं करता हूँ,
अब ये ऐसा है कि ये मेंटेन कौन सी वाली मेंटेन करते हैं ये मुझे बस ये करो वो करो, करती मैं ही हूँ, बस ये मेंटेन करते हैं मुझे। हाँ मैं तुम्हें मेंटेन कर रहा हूँ ये काफी नहीं। हाँ करती मैं ही हूँ, मैं मेंटेन कर रहा हूँ इतना काफी नहीं यार, इतना तगड़ा आदमी मेंटेन कर, तगड़ा मैं हुआ हूँ आपकी वजह से। हाँ ठीक है, ठीक हो जाऊंगी मैं, मैं 2 मंथ बाद ठीक हो जाऊंगी और थोड़ी बहुत बचूंगी वो मैं 3-4 महीने में ठीक कर लूंगी अपने आप को, पतली हो जाऊंगी एकदम स्लिम ट्रिम मस्त एकदम। मेरी इतनी अच्छी हाइट है मेरी 5'8", तो मैं भैया उसको खराब थोड़ा ना करूंगी, बढ़िया से स्लिम ट्रिम हूं एकदम। हाँ ठीक है तुम हो जाओगे अभी नहीं तो कुछ दिन बाद, ऐसे कैसे कुछ सालों बाद, ऐसे कैसे हो जाओगे कुछ सालों बाद तो कैसे भी नहीं हो सकता, अभी हो जाता तो हो जाता। इनको इनको ना वो बुड्ढा देखा है ना एक आपने, भाई उसको बुड्ढा ही क्यों बोलो, हीरो ही मान लो उसको, वो बूढ़ा वाला जो है एकदम फर्स्ट क्लास वैसा रहता है एकदम स्मार्ट बन के, ऐसे रहना इनको 50 साल की उम्र में भी, इनका ये मानना है ऐसे ही स्मार्ट दिखूंगा 50 साल की उम्र में भी, अब वो तो देखते हैं समय परिस्थिति कराती है भाई, अब समय वो समय पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं। हाँ, जो भी भाई आगे का किसी को कुछ नहीं पता भाई। हाँ तो वही चीज है, वही चीज है, हमें नहीं पता था हम यहाँ तक ये सब हम लोग साथ रहेंगे जब स्टार्ट किया था उस टाइम। ठीक है फिर तो मैं जब सन 2023 में फिर तो मैंने डिसाइड कर ही लिया था, ऐसे वैसे जैसे तैसे मतलब साथ होना है तो हो जाएंगे, बस अब एक ही पर्सन है तो बस कोई चीज नामुमकिन नहीं होती अगर तुम चाहो तो। हाँ। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, ये बात सही सत्य है। और इसमें इसमें इसमें, इसमें दोनों का साथ देना बहुत जरूरी है, एक दोनों का साथ देना मतलब बहुत जरूरी है, एक दोनों का दोनों लोगों का दिमाग एक जैसा ही होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है, अगर थोड़ा सा भी इनका दिमाग घूम जाता कि नहीं मतलब जैसे कि एक एक लड़के ने कमेंट तो ठीक न हो जाए तो ठीक, ये चीजें आ जाती। हाँ। तो चीजें गड़बड़ हो जाती, फिर पता जब हम दोनों का यही था कि बस ये और ये। हाँ। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम आसानी से और अपने आप बेस्ट साथ है। हाँ। सबने साथ। क्या है यार, हम बहुत खुशी खुशी चाहिए यार, क्या ही करना, हम बहुत खुश है भाई, हमें 1% कोई सुनेंगे, और अपना इंसान जो मतलब आपको ना मेन चीज लाइफ में ये होती है आपका पार्टनर बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ रहोगे तो पार्टनर बेस्ट होना बहुत जरूरी है, वो ही अगर गलत मिल जाए। बात है कि हमारे मम्मी पापा हैं वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे। हाँ, वो एक लेकिन मेन पार्टनर होता है ना, वो ही अगर कलेश करे तो मम्मी पापा, मैं आई आपकी वजह से हूँ ना यहाँ पे। हाँ, वो बात ठीक है। हाँ, मम्मी पापा बेचारे कुछ भी कर ले लेकिन फिर मुझे 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 तो ये चाहिए ना, ये सीन है। मम्मी पापा हमारे बहुत, मम्मी पापा तो क्या छोड़ ही दो भाई, मेरी माँ, मैं ये सोचती हूँ भाई मैं दुनिया की ना, मैं पता नहीं कौन से पुण्य कर दिए मैंने, मैंने जितनी नवरात्रि व्रत रखा है ना, मैंने बहुत माता रानी की पूजा की है, तो मेरे को साक्षात माता रानी मिल गई है मेरी सास के रूप में, ये मैं ऑन कैमरा मैं ऐसे मतलब तारीफ में नहीं बोल रही हूँ, वास्तव मेरे आंसू निकल जाएंगे उनकी कोई बात करते हुए, मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया है, सिर्फ इन 6 महीनों में उन्होंने मुझे इतना प्यार दे दिया है कि भाई मैं उस चीज को कभी डिनाई नहीं कर सकती हूँ, मैं उन चाहे कुछ हो जाए लाइफ में मैं उनसे कभी एक शब्द नहीं बोलूंगी, चाहे वो लाइफ जैसे कि अभी चीजें हैं बाद में कुछ और हो जाए चेंज हो जाए चीजें कुछ भी हो जाए, बट मैं उन इन मतलब इनका प्यार जो इन दिनों में दिया ना उन्होंने मुझे, वो मैं कभी भूल नहीं सकती, मैं उस चीज को कभी डिनाई नहीं करूंगी। वो उनके लिए मैं 3 भाई है जैसे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों से इतना भी काम करवाया, कभी होते हैं कि सबकी मम्मी बोलते तू ही करता ये वो, और ना कभी ये बोला किसी, उनको सबसे बड़ी बात किसी के बच्चे बुरे नहीं लगते किसी का भी, वो ठीक है अपने लिए है जैसा है, कभी भी किसी की बुराई नहीं करती, सबसे अच्छी बात ये है कि कभी किसी के बारे में बात नहीं करती, चुगली नहीं करनी उनको, कोई मतलब ही नहीं है यार, कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छी सेम उनकी वाली आदत मेरी। हाँ, चुगली मुझे भी नहीं करते, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई अगर अच्छा बुरा है तो वो अपने लिए होगा भाई, मेरे को नहीं मतलब, ना मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना मुझे बोलना है, मैं हम लोगों में बताया ना, मैं हम लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ आपस में, हम दो लोग हैं जैसे। हाँ। मम्मी पापा हैं वो तो ठीक है, उनकी बात ही अलग है, खैर मम्मी पापा मम्मी पापा होते हैं। इन्होंने एक शब्द बोला था हमें 2019 में जो हम फ्रेंड थे ओनली ऑन सोशल साइड, मतलब शुरू शुरू में इन्होंने बोला था मेरे को कि तुम मतलब तुम्हारा जो भी हो ना वो तो तुम्हें देख देख के जिएगा, तो
तो वो चीज ना मैं मेरी मम्मी पे लागू करती हूँ, वो मुझे देख देख के जीती है। मैं मेरी सासू माँ पे लागू करती हूँ वो चीज, वो मुझे देख देख के जीती है। इन्होंने बोला किसी और के लिए था, जो तुम्हारा होगा ना वो तो तुम्हें देख देख के हाँ, तो मैं जी रहा हूँ ना देख देख के। अच्छा फॉर्मूला खुश करने। तुम ही बोलना जिसको तुम मेरी जिंदगी हो। आगे वाला भी बोल दो, अठू ऐसी जिंदगी पे। नहीं नहीं है कितना। चलो गाइस 20 मिनट का आज वीडियो हो गया है, यही वाला आज का ब्लॉग यही, ठीक है। आज का ब्लॉग ये है कि हमारे पतिदेव इतना सारा बोले आज, देखो मेरे बोलने से ब्लॉग 20 मिनट क्रॉस हो गया, समझे। तो नेक्स्ट टाइम मैं बोला करूंगा ऐसे ही, आप बोला अब तो मैं ऐसे ही बोलूंगा भाई। आप बोला करो, आप कुछ भी क्रॉस कर सकते हो, मैंने आपको बोला है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एनीथिंग डू इट, आप सब कर सकते हो। मैं कर सकता हूं यार, बस आप करते नहीं हो, ये सीन है, ठीक है गाइस। मिलते मेरा मन ना करे कुछ करने। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं क्या होता है। और हम ये कनगते निकल जाए, उनको कनगते बोलते हैं ना, कनगते निकल जाए, फिर मैं जाऊँ फिर से डॉक्टर के पास, मैं अपनी CBC वगैरह कराऊंगी, अभी मैं चेक करूंगी फिर से, क्योंकि तब मैंने 6 मंथ का चेकअप लिया था, अभी 7 मंथ हो गया है, तो उसका ब्लड वगैरह देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ब्लॉग को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, पता है यार, लाइक कमेंट शेयर सब कर दो। आप मेरी जो फैमिली है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, एक दो लोग हैं वो वैसे, लेकिन हमें पता है मैं उनसे लड़ूंगा नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं उनको, उन्हें खुद चीजें समझ आ जाएंगी धीरे धीरे, उनकी थिंकिंग बदल जाएगी, मुझे पता है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ ब्लॉग